बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे 4th of September हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस के ज़रिए सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। सोडियम कार्बोनेट जिसको आप सोडा का नाम देते हो या सोडा ऐश या वॉशिंग सोडा, ठीक है, तो इसको बनाना है हमने आज। प्रिंसिपल देख लेते हैं सबसे पहले। इसका प्रिंसिपल है जी लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने बनाना क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे बनेगा। सबसे पहले रिएक्शन होता है बिटवीन, सबसे पहले मिक्सचर बनता है, अमोनिकल ब्राइन बनता है बाय मिक्सिंग अमोनिया एंड ब्राइन। अमोनिया ब्राइन को मिक्स किया, अमोनिकल ब्राइन बना, ठीक है। उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होने के बाद बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास लैग लाइन बनता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उससे सोडियम कार्बोनेट बनना है। सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट को अपने रिएक्शन मिक्सर में से सेपरेट करें, और उसकी सेपरेशन होती है जो यहाँ पर प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, ड्यू टू इट्स लो सॉल्युबिलिटी एट लो टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर जब लो करेंगे, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। जब उसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे तो हम बिल्कुल सिंपल मेथड फिल्ट्रेशन से उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को सेपरेट कर लेंगे तो उसको हीट करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लेंगे, और सोडियम कार्बोनेट ही हमारी प्रोडक्ट है जिसको हमने बनाना है इन दिस सॉल्वेज प्रोसेस। तो चूँकि सोडियम बाइकार्बोनेट लो टेम्परेचर पर प्रेसिपिट आउट हो जाता है, इसलिए सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट बन जाती है। अगर ये जो की पॉइंट है इसमें, जो लो सॉल्युबिलिटी है सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर ये नहीं होती तो सोडियम बाइकार्बोनेट सेपरेट नहीं होती और अल्टीमेटली सोडियम कार्बोनेट भी नहीं बन सकती थी। इसीलिए ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक हो गया। सो सोडियम आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन गोज टू सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपको रिएक्शंस क्लियर नहीं हुए कि मैंने कहा इसका रिएक्शन इसके साथ होगा, ये होगा, वो होगा, तो उस सारे प्रोसेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो डोंट वरी, फिलहाल प्रिंसिपल के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि सोडियम बाइकार्बोनेट लो टेम्परेचर पर प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल हो जाता है। रॉ मटेरियल्स हमें तीन चाहिए इस रिएक्शन के लिए, सॉल्वे प्रोसेस के लिए। रॉ मटेरियल्स जो हैं वो चीप हैं, ईजिली अवेलेबल हैं और बहुत अबंडेंट भी हैं। जिस तरह से सोडियम क्लोराइड है, ब्राइन है, बहुत ईजिली अवेलेबल है, नमक, देन इज लाइम स्टोन CaCO3, दिस इज अगेन इजिली अवेलेबल, एंड अमोनिया गैस NH3। तो ये तीन चीज़ें चाहिए सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए थ्रू दिस प्रोसेस। कौन सी तीन चीज़ें हैं? NaCl, CaCO3 एंड NH3, ब्राइन, लाइम स्टोन एंड अमोनिया। सो लेट स्टार्ट विद द प्रोसेस। बेसिक रिएक्शंस देखते हैं इस प्रोसेस में क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन बनाएंगे हम बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड ब्राइन। तीन चीज़ें थी ना रिएक्टेंट्स में, अमोनिया, ब्राइन, CaCO3। तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा, प्रिपरेशन होगी अमोनिकल ब्राइन की। सेकेंड स्टेप में कार्बोनेशन होगी अमोनिकल ब्राइन की। अमोनिकल ब्राइन बन गया, अमोनिया और ब्राइन की मिक्सचर बन गया। उसके बाद उसको हमने गुजारना है थ्रू कार्बोनेटिंग टावर, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करनी है। इस रिएक्शन के नतीजे में बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जब बनेगा तो हम रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर लो कर देंगे और वहाँ पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा होगा फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, यानी जो प्रेसिपिटेट्स हैं उनको हम रिमूव कर लेंगे थ्रू फिल्ट्रेशन। सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स जब हमारे पास आ जाएंगे तो फिर हम करेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की हीटिंग को। सोडियम बाइकार्बोनेट जब हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट हमारी मेन प्रोडक्ट है। हमारी रिएक्शंस यहाँ ख़त्म नहीं होते, हमारी मेन प्रोडक्ट हमारे पास आ गई, लेकिन जो हमारी बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमने अपना रॉ मटेरियल दोबारा बनाना है। यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सॉल्वेज प्रोसेस का, कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो फिर से बन जाता है, जिस तरह से प्रिपरेशन ऑफ CO2 एंड स्लेक लाइम। तो यहाँ पर जो CO2 बनेगा वही ऊपर कार्बोनेशन में इस्तेमाल हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में कार्बोनेशन हो रही है ना, वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रहा है
वो जो फिफ्थ स्टेप पर बन रहा है वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बनाएंगे और स्लेग लाइम बनाएंगे और उसके बाद आखिर में अमोनिया को भी रिकवर करेंगे, यानी जो अमोनिया इस्तेमाल होना है फर्स्ट स्टेप में। पहले स्टेप में जो अमोनिकल प्राइम में अमोनिया इस्तेमाल होना है वो भी रिकवर हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होना है कार्बोनेटिंग टावर में वो भी रिकवर हो जाएगा और हमारे पास सोडियम कार्बोनेट भी आ जाएगा। इसलिए सॉल्वेंट प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक रिएक्शंस इन डिटेल। फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन बाय सिंपल डिजॉल्विंग द अमोनिया गैस विद ब्राइन। डिजॉल्व कर लेना अमोनिया गैस को ब्राइन के साथ, अमोनिकल ब्राइन बन गया। अमोनिकल ब्राइन बनने के बाद अब क्या होना है, अमोनिया कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में होनी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन अमोनिया का, और उसके नतीजे में पहले रिएक्शन की तरफ देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। वाटर कहाँ से आया, ब्राइन से। ब्राइन को ऐड किया था ना, तो ब्राइन में सोडियम क्लोराइड भी होगा, वाटर भी होगा, बिकॉज दैट इज एक्चुअली द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड वाटर, ब्राइन। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा अमोनिया के साथ वाटर के साथ, तो बन जाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NH4HCO3। ये NH4HCO3 जब NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड बना है हमारे पास, इसको हम आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। हमारी कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर ज़ाया नहीं जा रही, सिर्फ एक बनेगी एंड पर जो ज़ाया जाएगी, यानी जो हमारे पास एक्चुअली द बाय प्रोडक्ट, ठीक है, वो एंड पे बननी है अमोनिया रिकवरी टावर में। फिलहाल आपने इस रिएक्शन की प्रोडक्ट्स याद रखनी है, दो प्रोडक्ट्स हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब यही बात दोबारा कर रहे हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या है जी, वो लो टेम्परेचर पर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी, राइट। सो यही सॉल्वेंट प्रोसेस का प्रिंसिपल था जिसको मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया, कि सबसे पहले क्या होना है, सबसे पहले अमोनिकल ब्राइन बनना है। अमोनिकल ब्राइन बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl का रिएक्शन होना है विद अमोनिया, जिसके नतीजे में सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट लो टेम्परेचर पर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड को आगे जाकर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। वो मैं बताती हूँ आपको कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट चूंकि वो प्रेसिपिटेट है तो वो इजीली फिल्टर आउट हो सकते हैं, तो उसको हम फिल्टर कर लेंगे, राइट, हो गया। सो इसको हम बेकिंग सोडा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, लेकिन अभी सोडियम कार्बोनेट नहीं बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमने फिल्ट्रेशन कर ली, सोडियम बाइकार्बोनेट को सेपरेट कर लिया, अब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगेन यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट तो हमारी मेन प्रोडक्ट है ना, जो हमने बना ली थ्रू सॉल्वेंट प्रोसेस, उसके साथ क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नीड अगेन जो है वो इस्तेमाल होगा इन द प्रीवियस स्टेप इन कार्बोनेटिंग टावर इन द कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, ठीक है। अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रहा है वो कैल्सिनेशन में बन रहा है, समझ आ रही है बात। सबसे पहले अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ, सॉरी अमोनिया का, और हमने बना लिया मिक्सचर ब्राइन का, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा लिया, और अब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को सेपरेट करके उसको हीट कर लिया है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एक्स्ट्रा बना है उसको हम दोबारा फिर पिछले वाले स्टेप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट। ये सोडियम कार्बोनेट जो हमारे पास बना है N2CO3, दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट। द नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक लाइम। अब अगेन हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज हमने इसको कार्बोनेटिंग टावर में इस्तेमाल करना है। पिछले स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुई थी वो आधी कार्बन डाइऑक्साइड है जो इस्तेमाल होती है, जो बाकी आधी होती है वो यहाँ बनती है, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए हमने रॉ मटेरियल में नहीं लिखा था, बिकॉज ये हमारे रिएक्शन में ही बन जाता है, हम इसे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है एज अ रॉ मटेरियल, समझ आ रही है बात। ओके, सो अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो लाइम स्टोन था हमारा रॉ मटेरियल, आपको याद हो तो हमारे तीन रॉ मटेरियल थे, एक था ब्राइन, दूसरा था अमोनिया और तीसरा था लाइमस्टोन। ब्राइन और अमोनिया को हमने इस्तेमाल कर लिया फर्स्ट स्टेप में, देन कार्बोनेशन करवा ली। अब लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो उससे बनेगा क्विक लाइम और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड बनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटिंग टावर में इस्तेमाल हो जाएगी सेकेंड स्टेप में। और दूसरी तरफ हमारे पास CaO बना है क्विक लाइम, जो क्विक लाइम बना है उससे हम स्लेग लाइम बनाएंगे। और इस स्लेग लाइम का क्या मकसद है, इसका मकसद है इसको हमने अमोनिया रिकवरी टावर में इस्तेमाल करना है, यानी इससे हमने अमोनिया को रिकवर करना है, राइट। याद होगा आपको कि कार्बोनेशन में एक हमारे पास प्रोडक्ट थी NH4Cl, जिसको मैंने कहा था हम नेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे, और एक हमारे पास प्रोडक्ट आई है अभी स्लेक लाइम CaOH2। इन दोनों को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं इन अमोनिया रिकवरी टावर टू प्रिपेयर अमोनिया। अब यहाँ पर आप रिएक्टर्स में देखें तो NH4Cl है, ये NH4Cl कहाँ से आया,
कार्बोनेटिंग टावर से. COH2 है, COH2 कहाँ से आया? फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ स्लेट लाइम फ्रॉम लाइमस्टोन. लाइमस्टोन से क्विक लाइम बनेगा, क्विक लाइम से स्लेट लाइम बनेगा. सो यहाँ पर क्या होगा कि अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और उसके नतीजे में अमोनिया बनेगा, CaCl2 बनेगा, NH2 बनेगा. तो CaCl2 इज द ओनली बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. यानी हमारे पास जो CaCl2 है सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमारी वेस्ट जाएगी, जो हमारी बाय प्रोडक्ट है, जो हमारी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है. बाकी सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल बना रहे हैं. जिस तरह से हमने क्विक लाइम से बनाया स्लेग लाइम को अमोनिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया, फिर जो हमारे पास कार्बोनेटिंग टावर में अमोनियम क्लोराइड आया था NH4Cl, उसको भी हमने यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड अमोनिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया. ठीक है, सो इस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी बाय प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो दोबारा से रॉ मटेरियल बना दें. इसीलिए जो सॉल्वेज प्रोसेस है इसको दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कि बहुत चीप है और जो रॉ मटेरियल्स हैं इजीली अवेलेबल हैं, और जो रिकवरी है इसमें अमोनिया रिकवर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिकवर हो गया, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द सॉल्वेज प्रोसेस. आप लोगों ने लर्न करना है इसे. एंड थैंक यू वेरी मच.